अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था, आज हम क्या करेंगे मजीद फर्दन इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को क्लिक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दें ताकि मेरी वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहला सवाल है हमें द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज इन द रेशियो ऑफ 3n+2 ratio n+1। तो बताओ फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 8 टर्म। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, टू अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है, यानी कि दो अरिथमेटिक सीरीज है आपके पास। तो इसके लिए मैं एक को कह दूंगा एस एन और दूसरे वाले को मैं क्या कह दूंगा एस प्राइम। तो यहां पर आप रेशियो का साइन लगा लीजिएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। एस एन रेशियो एस प्राइम एन इक्वल टू 3n+2 ratio n+1। अब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन के साथ साथ मैं इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर दूंगा। तो आप जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n/2 2a+n-1 d। तो ऊपर मैंने n/2 2a+n-1 d लिखा और नीचे चूंकि मैंने प्राइम लगाया है तो a और d पे हम क्या लगा देंगे प्राइम, n पे हम प्राइम नहीं लगाते क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या रहता है सेम। इस तरह n/2 से n/2 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2a+n-1 d और डिवाइड में क्या बचेगा 2a'+n-1 d'। ठीक है, चूंकि आपको कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 8 टर्म, यानी कि आपको आठवां टर्म का सम रेशियो निकालना है। अगर सवाल में कहता कि फाइंड द रेशियो ऑफ या सम का आपको कहता कि फाइंड द सम ऑफ रेशियो ऑफ दियर 8 टर्म, तो आप डायरेक्ट यहां पर क्या करते 8 पुट करते और आप रेशियो निकाल लेते, लेकिन आपको टर्म से निकालना है सम से नहीं निकालना। तो इसका मतलब यह है कि आपने पढ़ा है कि टी एन बराबर होता है किसके a+n-1 d के, ठीक है। अगर मैं टर्म के फॉर्मूले को देखूं कि तो टी एन किसके बराबर होता है a+n-1 d, यानी कि जो a का कॉफिशियंट है वो 1 है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है a का कॉफिशियंट 2 है। तो इस 2 को हटाने के लिए हम सिंबल क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। तो आप कहोगे सर आगे तो 2 तो मौजूद नहीं है, तो कुछ बच्चों को हो सकता है आइडिया भी हो और कुछ बच्चों को सकता है आइडिया नहीं भी हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉमन लेने के लिए हरगिज जरूरी नहीं है कि आगे नंबर सेम हो। आपके पास क्या है 2a+n-1 d, इससे यहां से आपको 2 हटाना है सिंबल। तो उसका मतलब आपको क्या है 2 कॉमन लेना है। तो जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ठीक है। और जिस चीज को आप कॉमन ले रहे हो, एक तो आपने उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उसको आपको क्या करना है हर एक टर्म से डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन भी आपका यही कहलाता है कि जिस चीज को आपको कॉमन लेना है उसको आपने ब्रैकेट के बाहर लिखा और बाकी उसी से आपने क्या किया जितने भी टर्म है सबको डिवाइड करवा दिया। 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 2a+d को मैं अलग करके लिखता हूं, बाकी n-1/2 d मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो सेम काम मैंने क्या किया यहां पर कि 2 कॉमन निकाला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया a+n-1/2 d डिवाइड बाय a+n-1/2 d'। ठीक है, अब आपको आठवां टर्म निकालना है, तो आठवां टर्म के लिए d का कॉफिशियंट क्या होना चाहिए। तो देखो यहां पर tn किसके बराबर होता है a+n-1 d। अगर हमें आठवां टर्म निकालना है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे t8, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास a+8-1 d, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो t8 किसके बराबर होता है a+7 d के, सही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आठवां टर्म निकालने के लिए जो d का कॉफिशियंट है वो क्या होना चाहिए 7। तो यहां पर हमारे पास d का कॉफिशियंट क्या आ रहा है n-1/2, तो मस्ट बी n-1/2 = 7। तो हम क्या करेंगे यहां पर कंसिडर कर लेंगे कि फॉर 8 टर्म n-1/2 बेसिकली किसके बराबर होना चाहिए 7 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर d के साथ 7 आएगा तभी हमें क्या मिलेगा आठवां टर्म मिलेगा। तो आप सिंप्लीफाई करो 2 डिवाइड में उस पर जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में, -1 राइट साइड पर जाएगा क्या होगा +1। तो इस तरह n हमारा किसके बराबर हो जाएगा 15 के, यानी कि हमें n की वैल्यू मिल गई। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो नाउ
एन माइनस वन डिवाइड बाई टू किसके बराबर है, सेवन के, तो हमने क्या लिखा, सेवन डी डिवाइड बाई सेवन डी प्राइम। और यहां पर जहां जहां पर एन ए सॉरी 15 की जगह आपके पास क्या, मैंने बाय मिस्टेक यहां पर 17 लिख दिया है, तो यहां पर क्या आएगा 15। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है यहां पर, तो a प्लस 7d बेसिकली किसके बराबर होता है t8 के, इसी तरह नीचे प्राइम है तो प्राइम लगा t8 लिख दिया। यहां थोड़ा सा इश्यू है कि आप इसको सही कर लो, 3 मल्टीप्लाई 15 होता है 45, और 45 प्लस 2 कितना होगा 47, और 15 प्लस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह जो इसका रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 47:16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स। यानी कि एपी में आपको तीन नंबर कह रहा है, हम जानते हैं एपी में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है। तो आसानी के लिए जब कभी भी आपको कहेगा कि एपी में तीन टर्म निकालो और हमें टर्म गिवन नहीं होगा, तो आपको कंसीडर करना होगा, और क्या कंसीडर करना होगा ये मैं आपको बताता हूं। तो आप हमेशा जो कंसीडर करोगे तीन नंबर के लिए वो a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, इस तीन नंबर को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हमेशा एपी में। ठीक है, तो a माइनस डी, a, a प्लस डी। इसका फायदा क्या हुआ, देखिए पहला जो कंडीशन हमें कह रहा है कि गिवन कंडीशन द सम ऑफ थ्री नंबर्स, यानी कि इन तीनों नंबर को जो आप सम करोगे, सम मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो ये किसके बराबर होगा 27 के। तो करते हैं, तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, इससे फायदा ये होगा कि d से d आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां से a प्लस a प्लस a किसके बराबर होगा 3a इक्वल टू 27, 3 मल्टीप्लाई में उस जाएगा क्या होगा डिवाइड में, 27 डिवाइड बाय 3 आपके पास कितना होता है 9। इस तरह आपके पास डायरेक्ट a की वैल्यू मिल जाएगी आपको बासानी के, a किसके बराबर हो गया 9 के। अब आपको d फाइंड करना है, तो अगला जो कंडीशन गिवन है एंड एंड देयर प्रोडक्ट इज 445, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, और इसको बगौर देखो तो ये फार्मूला बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसको मैं फार्मूले में कंसिडर कर लूंगा ताकि मल्टीप्लाई हमें ना करना पड़े। तो a किसके बराबर है 9 के, हमने लिख दिया 9, बाकी इसमें मैंने क्या लगाया फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 यहां मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में। सिमिलरली a है, a का स्क्वायर है, तो a मतलब किसका है हमारा, a बराबर है 9 के, 9 का स्क्वायर 81। तो बेसिक सिम्प्लीफाई, 405 डिवाइड बाय 9 कितना होता है 81, और ये सॉरी 81 आपका वैसे ही रहा, ये 405 डिवाइड बाय 9 किसके बराबर होता है 45 के, चूंकि पॉजिटिव था, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इस माइनस डी स्क्वायर को मैंने क्या किया राइट साइड पर ले गया, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव डी स्क्वायर। 81 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास ये होगा 36। जब आप डी से स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड पर क्या लगेगा प्लस माइनस रूट, और 36 का रूट कितना होता है 6। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू प्लस माइनस 6 है। तो वेन ए इक्वल टू 9 एंड डी इक्वल टू 6, जहां हमने लेट किया था वहां पुट कर दो, हमने क्या लेट किया था ए माइनस डी, ए बराबर है 9 के, डी बराबर है 6 के। उसके बाद अगला टर्म क्या था a, a बराबर है 9 के, और a प्लस डी यानी कि 9 प्लस 6। सिंप्लीफाई कर लो, 9 माइनस 6 होता है 3, 9, 9 प्लस 6 कितना होता है 15। इसी तरह वेन a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू माइनस 6, इस जगह पर हम सारी वैल्यू को पुट करो तो आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा 15, 9, 3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड फाइव नंबर्स इन एपी whose sum is 25 and the sum of whose square is 135। तो जैसे मैंने आपको थ्री नंबर के लिए बताया, तो फाइव नंबर के लिए भी आपको क्या करना होगा, लेट करना होगा, क्या लेट करना होगा, a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी और a प्लस टू डी। जब फाइव नंबर का आएगा तो इन नंबर्स को आप क्या करोगे, एड करोगे, ये आपको एग्जाम्पल में भी गिवन है। ठीक है, फाइव नंबर के लिए, थ्री नंबर के लिए और फोर नंबर के लिए। खैर, तो पहला कंडीशन आपको क्या गिवन है, द फाइव नंबर्स इन एपी हुज सम इज 25, तो आप सम कर दो मतलब इन सबको ऐड कर दो, तो इस तरह आपके पास क्या होगा 2d से प्लस 2d कैंसिल, प्लस d से माइनस d कैंसिल, आपके पास बच गया 5a, तो ये बराबर होगा 5a इक्वल टू 25, 5 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा क्या होगा डिवाइड में, 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 5। अगला कंडीशन आपको क्या गिवन है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि हर एक टर्म का आप क्या करो, स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो, तो ये किसके बराबर होगा 135 के।
अब आप फार्मूला ओपन कर दो, जहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। मैंने क्या किया, सारे फार्मूलाज ओपन कर दिए। अब जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल करो, जो ऐड हो रहा है उसको आप ऐड करो। ये प्लस 2d से जैसे ये माइनस 2d कैंसिल हो गया, और प्लस 4d से ये माइनस 4d कैंसिल हो गया। बाकी आप चेक कर लो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5a स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर। ठीक है, a प्लस a प्लस a प्लस a एंड प्लस a, पांच बार a है। तो 5a स्क्वायर 4d स्क्वायर 1d स्क्वायर, तो 5d स्क्वायर, इसी तरह 1d स्क्वायर हो जाएगा 6d स्क्वायर, और ये 4d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10d स्क्वायर। a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आप पुट करो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 125। इसको आप डायरेक्ट राइट साइड पर ले जाओ, तो माइनस का 135 माइनस 125 कितना हो जाएगा 10, 10 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा होगा डिवाइड में, तो इस तरह डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया 1 के। स्क्वायर डालोगे तो राइट साइड पर प्लस माइनस और रूट लगेगा, इस तरह डी इक्वल टू प्लस माइनस 1। व्हेन ए इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू 1, अब जहां जहां पर आपने लेट किया था, ए की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया 5, और डी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया 1, तो इस तरह आपके पास क्या बन गया 3, 4, 5, 6, 7। सिमिलरली अगला आप खुद कर लिएगा कि व्हेन ए इक्वल टू 5 एंड डी इक्वल टू माइनस 1, तो आपके पास यही आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।